दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। रोहित शर्मा आप फॉर्म में लौट आए हैं। लगातार रोहित की आलोचना चल रही थी, T20 वर्ल्ड कप बहुत बेहद नजदीक था और कप्तान भी हैं, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रोहित शर्मा ने 38 गेंदों पर 68 रनों की धुआंधार तूफानी पारी खेली। अपनी इस पारी में 10 चौके और 3 छक्के लगाए थे। रोहित शर्मा पूरी तरीके से बेहतरीन फॉर्म में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन रोहित का विकेट गिरते ही मुंबई इंडियंस को हार झेलनी पड़ी। जो भी हो, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अब लय में नजर आई है। हालांकि यशस्वी जायसवाल दूसरे ओपनर वो जरूर फॉर्म में नहीं है। हार्दिक पांड्या की फॉर्म चिंता का विषय है। रोहित शर्मा के बारे में गौतम गंभीर ने पहले ही बोल दिया था कि इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, किसी भी दिन लय में आ सकते हैं। लगातार बेहतर स्ट्रोक खेल रहे थे, थोड़ा सा अनलकी रह रहे थे जिस वजह से वो आउट हो जा रहे थे, लेकिन अब रोहित शर्मा के फैंस काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। 38 गेंदों पर 68 रनों की एक तूफानी पारी थी और 3 छक्के थे, बहुत ही बेहतरीन देखने लायक छक्के थे, 10 चौके लगाए थे और रोहित ने बता दिया, दिखा दिया कि T20 वर्ल्ड कप में सावधान हो जाएं गेंदबाज। जिस तरीके से रोहित ने ODI वर्ल्ड कप 2023 में बेहतरीन बैटिंग की थी, लगातार पहले ओवर से अटैक किया था, उसी अंदाज में T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो खेला जाना है उसमें रोहित ने अलर्ट कर दिया गेंदबाजों को और आगाह कर दिया कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस टीम का लीडर भी पूरी तरीके से अब लय में आ चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए।